न्यूज में माहिर मुतर्जिम बनने के लिए क्या उसूल है? जर्नलिज्म, जर्नलिज्म जो तर्जुमा होता है शेख, ये फ्री ट्रांसलेशन की एक किस्म है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा अपने लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। जर्नलिज्म में होता ये कि जो कंटेंट हमारे पास रिसीव होता है वो बहुत ही शॉर्ट लेवल की का टेक्स्ट रहता है, बहुत बड़े लेवल पे टेक्स्ट नहीं आता उसमें। जो यानी कि एजेंसी जो पीटीआई से लेके जितने भी न्यूज एजेंसी वगैरह रहती है वो बहुत ही छोटे लेवल पे न्यूज को जो है देती हैं। जैसे अपना थॉमसन राइटर्स है, उनको जो है मिली सेकंड्स में जो है न्यूज को बूस्ट करना रहता, वो बहुत ही छोटे लेवल पे भेजते हैं। तो माहिर मुतरजिम अगर इस जर्नलिज्म से मुतालिक रहेगा तो उसको जो है उस पर्टिकुलर जो तर्जुमा कर रहा है वो फील्ड का तकरीबन पूरा एक्सपीरियंस रहना है। जैसे मान लीजिए कोई अगर बेहतरीन बंदा है जो क्या बोलते हैं सिर्फ करता है पॉलिटिक्स का ट्रांसलेशन, लेकिन उसके पास आया है कोई फाइनेंशियल ट्रांसलेशन के बारे में न्यूज, तो वो इमीडिएटली नहीं कर पाता। उसका मेन रीजन ये है कि वो बहुत सारे शेयर्स वगैरह से मुतालिका मालूमात से पुर रहता, और वो सिर्फ बाज ऐसे हिंट्स रहते हैं उसके अंदर शॉर्ट नोटिस में या शॉर्ट नोट में, वो मतलब पूरी तरीके से पढ़ नहीं सकता। लिहाजा अगर जर्नलिज्म में जाना चाहे, जर्नलिज्म के ट्रांसलेशन में, तो इख्तिसास के साथ अगर जाएं, जैसे क्राइम का ट्रांसलेशन करने के लिए अलग तरीके से, या जो है ऑडिटोरियल अगर लिखते हैं, एडिटोरियल, एडिटोरियल का मुतर्जिम बिल्कुल अलग रहता, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसलेशन करने वाला ही अलग रहता। इस तरीके से किसी एक स्पेसिफिक जोन में जाएंगे जर्नलिज्म में, तो क्योंकि वो दुनिया बहुत अलग है जिसमें तेजी चाहता है और एक्यूरेसी चाहता है। एक मरतबा मैं न्यूज देखा था। जी शेख, जी शेख परवेज साहब, नहीं, आप मुकम्मल कर ले, मुकम्मल कर ले। जी, नहीं, ऐसे ही एक साहब जो है तर्जुमा किए थे जिनको जो है टेक्नोलॉजी से किसी किस्म की कोई वाकिफियत नहीं थी, ये मैं बात बता रहा हूँ, 4 साल पुरानी बात है। सियासत न्यूज़पेपर के सरे वर्क में जो दरीचे बोल के आता है उसमें लिखा हुआ था कि फेसबुक कल से बंद होने वाला है, यानी कि 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। फेसबुक वो था अप्रैल अप्रैल फूल बनाने वाला जो है कोई कंटेंट लिया था, तो ये मुतरजिम जिसको जो है ना उसके वाकिफियत थी, कुछ भी नहीं थी, सरे वर्क पे नामवर पेज के सरे वर्क पे इस तरीके की न्यूज भी जो है कभी कभी इस तरीके का ब्लंडर होता है। तो इसलिए जर्नलिज्म में बहुत एक्यूरेसी, तेजी और समझ के साथ अगर कोई रहता है, कंटेंट को अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कोई रहता है, तो वो उस तरीके को अपनाया जा सकता है। और और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।